नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राहत के। प्रधानमंत्री जी, जो आज आपने गैर भाजपा के राज्यों के सरकारों को स्टेट वैट कम करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की जो एडवाइस दी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को नहीं दी जा सकती? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्टेट वैट है वो राजस्थान से ज्यादा है, तो यदि आप राजस्थान के सरकार को एडवाइस दे रहे हो तो उससे पहले तो मध्य प्रदेश की सरकार को दीजिए। प्रधानमंत्री जी, क्या वही एडवाइस हम जो दूसरे कर्नाटक की सरकार को नहीं दे सकते? क्या वही एडवाइस हम बिहार की सरकार को नहीं दे सकते? क्योंकि बिहार में स्टेट वैट है वो झारखंड से ज्यादा है, जो कर्नाटक में पेट्रोल पर स्टेट वैट है वो पंजाब से ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो गैर भाजपा की सरकारों को जो एडवाइस दे रहे हो, सबसे पहले भाजपा की सरकारों को वो एडवाइस दीजिए, क्योंकि वहां पर स्टेट वैट गैर भाजपा की सरकारों से भी जाता है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी, आप तो हर चीज में वन नेशन वन फलाना, वन नेशन वन ढिमका, इसके बड़े हिमायती रहे हो, इसके बड़े समर्थक रहे हो, तो क्या राज्य सरकारों के राजस्व को सुरक्षित रखते हुए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता? और उसके लिए अब आपको गैर भाजपा की सरकारों का समर्थन भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में दो तिहाई राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही वहां पे मेंबर है, तो वो बिना गैर भाजपा की सरकारों के समर्थन के भी आप पेट्रोल और डीजल को वो जीएसटी के दायरे में ला सकते हो, जिससे वन नेशन वन फ्यूल रेट का जो सपना है वो पूरा हो किया जा सकता है। तीसरी बात, पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी लगाकर पेट्रोल और डीजल पर 26,51,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, और इसमें से ज्यादातर पैसा था वो सेस के रूप में इकट्ठा हुआ, अर्थात उस पैसे में राज्यों को कुछ नहीं मिला। तो जो आज आपने जानकारी दी कि राज्यों को 42% सेस हिस्सा जाता है डिविजिबल पूल का, वो गलत है, क्योंकि ये 26,51,000 करोड़ का अधिकतम पैसा जो आया है वो सेस के रूप में केंद्र सरकार ने इकट्ठा किया और उसमें राज्यों को कुछ नहीं मिला। तो प्रधानमंत्री जी, आपका जो एडवाइस थी वो बड़ी सेलेक्टिव थी, आपकी जो जानकारी थी वो गलत और भ्रामक थी। आप अपने एडवाइजर्स को हटाइए और उनको कहिए कि सही जानकारी दें, ताकि देश के सामने आप सही स्थिति को स्पष्ट कर सकें।